अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से गौमांस की तस्करी के शक में दो आदिवासियों की लिंचिंग का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इसी सियासत के बीच आदिवासियों के खिलाफ भाजपा सरकार की नाकामी सामने आई है। पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार के मामले सामने आते हैं उनमें से 23% अत्याचार के मामले अकेले मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ होते हैं। यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर अखबार में भी छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि देश में सबसे ज्यादा 14.7% जनजाति आबादी मध्य प्रदेश में है। यही नहीं, मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% हिस्सा जनजाति है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में आदिवासी सबसे बदहाल स्थिति में हैं। देश भर में जनजाति इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति बदतर है। यही नहीं, जनजाति आबादी पर अत्याचार के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में 2067 उप स्वास्थ्य केंद्र, 463 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ही अमित शाह ने भोपाल में रैली करके प्रदेश के आदिवासियों को अपनी ओर लुभाने की भरपूर कोशिश की। इसमें अमित शाह ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार देश में कोई राज्य सरकार जंगलों का मालिक जनजाति भाइयों को बनाने का काम कर रही है। पहली बार जंगल से जो भी कमाई होती है उसका 20% हिस्सा वन समिति के हाथ में सौंपकर आदिवासियों को इसका सीधा मालिक बनाने का काम किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जनजाति समाज के लिए जबलपुर में 17 घोषणाएं की थीं कि सभी पर अमल हो रहा है। 10 साल में सकल घरेलू उत्पाद में 200% की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश ने की है। ये रुकने वाले काम नहीं है। जितने भी कार्य जनजाति भाइयों के लिए हमने घोषित किए हैं वे सभी पूरे होंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के जो मामले सामने आए हैं उससे साफ है कि बीजेपी सरकार केवल आदिवासियों को लुभाने के लिए झूठी वाहवाही बटोरने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि शिवराज सरकार हकीकत में आदिवासी हितेशी होती तो आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन नहीं होता। और शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर भी सवाल उठते हैं। जिस प्रकार से वन समितियों द्वारा होने वाली कमाई का 20% हिस्सा आदिवासियों को देने की बीजेपी बात कर रही है, कहीं वो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की तरह कोई नया घोटाला तो नहीं करने वाले हैं? क्या हकीकत में इन वन समितियों की कमाई आदिवासियों को मिलेगी या कहीं कोई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर इसका फायदा उठा ले जाएगा? अभी देखना ये बाकी है। आप देखते रहिए जनता आवाज़। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़, दिल्ली।